भागलपुर के नौगछिया सर्किल के सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ नौगछिया थाने में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बैठक कर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि थानाध्यक्ष मामलों का अधिक से अधिक निष्पादन करे, अन्यथा लापरवाही करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि इस्माइलपुर थाने को छोड़कर नौगछिया सर्किल अंतर्गत सभी थाने के लंबित मामलों की समीक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्षों अनुसंधानकों और सर्किल इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया कि मई माह में हुई रिपोर्टिंग से ज्यादा मामलों का निष्पादन करें। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने विशेष जोर देते हुए कहा कि जो भी टारगेट दिया गया है अगर उस पर काम किया जाए तो रिपोर्टिंग से ज्यादा मामलों का निष्पादन हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। वहीं उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोताही लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर नौगछिया के सभी थानों के थानाध्यक्षों और वरीय पदाधिकारियों की भी मौजूदगी देखी गई। भागलपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। कौन थाना में किस तरह का कौन कौन थाना का समीक्षा किया गया? देखिए ये लंबित कांड का समीक्षा किया गया, ये नौगछिया अंचल का सभी थाने थे, इस्माइलपुर को छोड़ करके सभी का जो वो समीक्षा किया गया और टारगेट दिया गया थाना प्रभारी को, आईओ को और इंस्पेक्टर सर्किल नौगछिया को दिया कि इस मई महीने में जो कटने योग्य केस है वो हर हाल में काटना पड़ेगा। इसका अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है, देन के अंतर नहीं है, देन की अध्ययन करना कराना SHO और CI की जवाबदेही है और टाइम पे SDPO अपना फाइनल PR निकाले ताकि टाइम पे हमारे ऑफिस से ऑर्डर भी निकल जाएगा। एंड हर हाल में जो टारगेट दिया है मई में कटने के केस वो कटेगा। कुछ केस ऐसा भी है जो एक्स्ट्रा भी वो जैसे मेहनत करेंगे तो कुछ केस कट सकता है, लेकिन वो हर हाल में जून में केस कटेगा, यानी कि अगले मंथ का भी टारगेट दिया गया है इन फलना फलना केस को आप जून में अवश्य निष्पादित करेंगे। फिर पुलिस प्रशासन का या जो आईओ है उनका कहना है अस्पताल से इंजुरी या और सब समस्या कई तरह की समस्या आती है। दो केस में होता है, ये सब बकवास है ना, एक दो केस ऐसा होता है, प्रत्येक केस में इंजरी रिपोर्ट नहीं मिलता है गलत बात है। जिसे इंजरी रिपोर्ट नहीं मिलता है वो हॉस्पिटल जाए, हमसे बात करें, हम बात करेंगे वहाँ से, इंजरी रिपोर्ट मिलता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसे नहीं मिलता है बताएं किस केस में नहीं मिलता है, प्रायः मिल जाता है सब उसने। और कोई खास निर्देश? कोई खास निर्देश नहीं है, स्पष्ट बता दें कि ये अब इसकी समीक्षा पुलिस मुख्यालय स्तर से भी की जाती है, प्रत्येक सप्ताह सभी थाना प्रभारी आयु सुन रहे हैं, उन्हें निष्पादन गति अपना बढ़ाना पड़ेगा, निष्पादन कांड का नहीं करेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मैं उसी कड़ी में मेरी भूमिका होती है, SP की भूमिका होती है, उन भूमिका में निभाने आया। मैं अपने स्तर से कांड का समीक्षा किया है, मैंने टारगेट दिया है, अब इन्हें अपना काम करना, नहीं काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। क्या देख रहे हैं कितने केस पेंडिंग है, कितने क्या जो हमने टारगेट दिया है उसका अनुपालन कर लेंगे तो रिपोर्टिंग से काफ़ी ज़्यादा केस का निष्पादन होगा, बशर्ते कि ये लोग अनुपालन करें, दैनिक अद्यतन करें। ठीक।